इज जीरो आर रेशनल नंबर क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है कैन यू राइट इट इन वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्या हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे क्यू यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए यस yes, जीरो इज अ रेशनल नंबर जीरो आपके पास एक रेशनल नंबर होता है बिकॉज जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बाय वन जीरो को लिखा जा सकता है जीरो बाय माइनस टू जीरो को लिख सकते हैं जीरो बाय थ्री जीरो को लिखा जा सकता है जीरो बाय माइनस सेवन अपॉन में आप कोई भी नंबर लिखिए जीरो ही रहेगा वो इसलिए ये आपके पास क्या होता है रैशनल नंबर होता इज ए रैशनल नंबर यदि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में एन नेचुरल नंबर ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे एन प्लस वन से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और एन प्लस वन से नमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर वी मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, बोथ नंबर्स का मतलब नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है एन प्लस वन से तो आपके पास एग्जैक्टली एन नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स के बीच में फाइन सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे एक बार एग्जैक्टली सिक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे थ्री और फोर के बीच में इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इन दो रेशनल नंबर थ्री और फोर के बीच में छह रेशनल नंबर ढूंढने हैं तो जो इसका नमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से थ्री को लिखा जा सकता है थ्री बाई वन और थ्री बाई वन को मल्टीप्लाई करना है सेवन से डिवाइड भी करना है सेवन से तो थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी ट्वेंटी वन वन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी सेवन इसी तरह से फोर को लिखा जा सकता है फोर बाई वन और इसे भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेवन से फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी एट और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर अपॉन वाली क्वांटिटी बेटा सेम होनी चाहिए तो यहाँ से हमने देखा दो नंबर बने एक 21 है एक 28 है तो इनके बीच में आपके पास जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी के सभी आपके पास रेशनल नंबर्स होंगे 21 से स्टार्ट कर दीजिए आप 22 ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और सबके अपोन में सेम डिनोमिनेटर सेवन रखेंगे तो आपके पास जो ये नंबर्स आए हैं ये आपके पास एग्जैक्टली सिक्स नंबर्स लाई कर रहे हैं थ्री और फोर के बीच में थ्री को ट्वेंटी वन बाई सेवन लिखा जा सकता है बिकॉज यदि मैं इसे कैंसल आउट करता हूँ सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन होते हैं तो ये थ्री ही बना सेवन फोर जा ट्वेंटी एट होते हैं तो ये फोर ही बना ये सारे नंबर्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर होंगे ट्वेंटी टू बाय सेवन ट्वेंटी थ्री बाई सेवन ट्वेंटी फोर बाय सेवन ट्वेंटी फाइव बाई सेवन ट्वेंटी सिक्स बाय सेवन एंड ट्वेंटी सेवन बाय सेवन मेथड टू में हम सिक्स रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं थ्री और फोर के बीच में इसके लिए हम क्या करेंगे एक नंबर ले लेंगे जो नंबर हमारे पास सेवन या उससे बड़ा हो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं टेन अगर आप चाहो तो हंड्रेड भी ले सकते हो थ्री को लिखा जा सकता है थ्री बाई वन इसके नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे टेन से तो आएगा थर्टी वन को मल्टीप्लाई करेंगे टेन से तो आ जाएगा टेन इसी तरह से फोर को लिखा जा सकता है फोर बाई वन और इसको भी आपको क्या करना है टेन से मल्टीप्लाई और टेन से डिवाइड कर लेना है तो ये वैल्यू बनेगी फोर्टी बाई टेन अब आपके पास दो नंबर्स हैं एक थर्टी है एक फोर्टी है, है इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स आपके पास रेशनल नंबर्स होंगे जो लाई करेंगे थ्री और फोर के बीच में थर्टी से स्टार्ट करेंगे थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव जितने भी आपको नंबर चाहिए यहाँ पे हमें सिर्फ सिक्स रेशनल नंबर चाहिए तो वो नंबर्स लिए जा सकते हैं थर्टी वन बाई टेन थर्टी टू बाई टेन थर्टी थ्री बाई टेन थर्टी फोर बाई टेन थर्टी फाइव बाई टेन एंड थर्टी सिक्स बाई टेन तो ये आपके पास सिक्स रेशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन थ्री एंड फोर के बिकॉज थर्टी को यदि हम टेन से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी थ्री और फोर्टी को डिवाइड किया जाए टेन से तो ये वैल्यू बनेगी फोर क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें इंसर्ट करने हैं फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फाइव इसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव प्लस वन से यानी सिक्स से जितने भी आपको नंबर इंसर्ट करने हो रेशनल उससे एक यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा नोमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे थ्री बाई फाइव को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से और डिवाइड भी करेंगे सिक्स से तो वैल्यू बनेगी एटीन बाई थर्टी सिमिलरली फोर बाई फाइव को भी आपको मल्टीप्लाई करना है सिक्स से और डिवाइड भी कर देना है सिक्स से तो ये वैल्यू बन जाएगी ट्वेंटी फोर बाय थर्टी इन दो नंबर्स के बीच में 18 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आएगा 19 बाय 30, 20 बाय 30, 21 वन बाय थर्टी ट्वेंटी टू बाय थर्टी ट्वेंटी थ्री बाय थर्टी तो ये आपके पास एग्जैक्टली फाइव रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन थ्री बाय फाइव और फोर बाय फाइव इस केस में आपको यह जरूर ध्यान रखना होता है कि इसका जो नुमरेटर बनेगा नीचे वाली क्वांटिटी वो दोनों में सेम होनी चाहिए सेकंड मेथड से करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को इसके लिए क्या करेंगे कि इसे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो सिक्स से बड़ा होना चाहिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं टेन ले रहा हूँ अगर आप चाहो तो इसे हंड्रेड भी ले सकते हो इसके लिए क्या करेंगे थ्री बाई फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे टेन से और डिवाइड भी कर देंगे टेन से तो ये बना थ्री बाई थर्टी बाय फिफ्टी सिमिलरली फोर बाई फाइव को टेन से मल्टीप्लाई और टेन से डिवाइड करेंगे तो बनेगा थर्टी फोर्टी बाय फिफ्टी अब आपके पास दो नंबर हैं एक थर्टी है एक फोर्टी है, है इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी सभी आपके पास थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव के बीच में लाई करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे थर्टी वन बाई फिफ्टी थर्टी टू बाई फिफ्टी थर्टी थ्री बाई फिफ्टी थर्टी फोर बाई फिफ्टी एंड थर्टी फाइव बाई फिफ्टी तो ये आपके पास जो नंबर्स आए हैं ये नंबर्स होंगे आपके पास थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव के बीच में बिकॉज अगर हम यहाँ से टेन से डिवाइड कर दें तो ये नंबर बनेगा फोर बाई फाइव और इसे भी टेन से डिवाइड कर दें तो ये नंबर बनेगा थ्री बाई फाइव कोई जरूरी नहीं है आपको यही नंबर लेने हैं आप थर्टी सिक्स बाई फिफ्टी भी ले सकते हो थर्टी सेवन बाई फिफ्टी भी लिया जा सकता है क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स गिव द रीजन ऑफ योर आंसर आपको बताना है कि फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर क्या हर एक नेचुरल नंबर आपके पास एक होल नंबर होता है बिल्कुल होता है बिकॉज नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और होल नंबर्स होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ट्रू नेक्स्ट देखते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर क्या हमारे पास हर एक इंटीजर होल नंबर होता है इंटीजर होंगे आपके पास ये नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स होंगे जीरो वन टू थ्री तो इसका आंसर आएगा फॉल्स बिकॉज माइनस थ्री माइनस टू आर नॉट द होल नंबर बिकॉज जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो कोई भी होल नंबर नहीं होते इसलिए इसका आंसर रहेगा फॉल्स नेक्स्ट में है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर तो इसके लिए भी आपके पास देखते हैं होल नंबर होते हैं जीरो वन टू थ्री और यदि मैं इन सभी नंबर्स को लिखूं तो ये लिखा है जीरो बाई वन वन बाई वन टू बाई वन थ्री बाई वन तो यहां से ये तो मुझे मिला कि हर एक होल नंबर क्या होता है रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर जैसे वन बाई टू थ्री बाई फोर फाइव बाई टू सेवन बाई टू ये क्या है जो होल नंबर नहीं होते तो इसका आंसर भी आपके पास रहेगा फॉल्स बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो होल नंबर नहीं हो.